न्यूज़, सच जरूरी है। यह है मैनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा सिविल अस्पताल का भूमि पूजन। ठाणे सिविल अस्पताल के भूमि पूजन के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रवेश किया। दीप प्रज्वलन करुण कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस भूमि पूजन समारोह में लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, तानाजी सावंत विधायक रविंद्र पाठक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत मौजूद है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रीपाल का वितरण किया और नए सिविल अस्पताल का शिलान्यास किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा 23 अप्रैल को होने वाले शिव स्मारक के भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण किया। पिपराला में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 23 अप्रैल को करेंगे। सांसद संजय राउत आज जलगांव जिले के दौरे पर आए हैं और आज उन्होंने डिप्टी मेयर कुलभूषण पाटिल के आवास का दौरा किया। ठाकरे समूह के जिला संपर्क प्रमुख संजय सावंत, संयुक्त प्रमुख गुलाबराव वाघ, जिला प्रमुख विष्णु भंगाले, युवा सेना के जिला प्रमुख नीले चौधरी, अमर जैन सहित बड़ी संख्या में ठाकरे समूह के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाईवे और एक्सप्रेसवे से हटेंगे टोल नाके, फास्टैग नहीं, अब इस तरह टोल से टैक्स वसूली की तैयारी। आने वाले दिनों में देश भर से टोल प्लाजा हट सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल वसूली के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विशेष तज्ञों ने सुझाव दिया है कि टोल वसूली के लिए वाहनों में जीपीएस अनिवार्य करने की दिशा में कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अगर संभव हो तो इसे वाहनों के इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाए, यानी जीपीएस लगे होने पर ही वाहन का इंश्योरेंस होना चाहिए। दरअसल वर्तमान में फास्टैग के जरिए टोल वसूली की जा रही है, लेकिन जीपीएस और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए टोल वसूली शुरू होने पर सभी टोल नाकों को हटाना होगा। NHAI का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में लोग टोल से बचने के लिए गाड़ी में जीपीएस नहीं लगाएंगे या फिर नंबर प्लेट को किसी कपड़े या कागज से कवर कर लेंगे। इसी तरह से कई हेराफेरी करके टोल से बचने चाहेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर चाहिए कि जब इन सिस्टम के जरिए टोल वसूली शुरू हो तो उसके लिए पुख्ता इंजाम किया जाए। हर वाहन में जीपीएस लगे, उसके लिए इंश्योरेंस की अनिवार्य शर्तों में जीपीएस को तोड़ दिया जाए। अगर किसी वाहन में जीपीएस नहीं है और वो सक्रिय नहीं है तो उसका इंश्योरेंस न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति वाहन से जुड़े वॉलेट में टोल के हिसाब से पर्याप्त बैलेंस नहीं रखता है तो उसके लिए भी जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाए। अब हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।